आजमगढ़ में चौरी चौरा शताब्दी समारोह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सबसे पहले जीजीआईसी से प्रभात फेरी निकाली गई। शहीद कुंवर सिंह उद्यान में सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिता में बच्चों के प्रदर्शन ने सभी का मन मोह लिया। एलसीडी स्क्रीन पर पीएम का संबोधन भी हुआ। इस दौरान मंडलायुक्त, डीआईजी, डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत ने 1922 में घटित चौरी चौरा कांड के शहीदों की याद में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। शताब्दी समारोह पर आयोजित होने वाले महोत्सव में प्रभात फेरी निकाली गई, जो काली चौरा बड़ा देव शहर कोतवाली नगर पालिका से कुंवर सिंह उद्यान पहुंचकर संपन्न हुई। राष्ट्रगान, वंदे मातरम आदि नारों के साथ चौरी चौरा शताब्दी समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात कुंवर सिंह उद्यान में शहीदों की याद में बच्चों ने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुत किए। इस दौरान यहां गायन और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे बच्चियों ने प्रतिभाग किया। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक चलाया जाएगा, जिसके क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मंडलायुक्त ने बताया कि आजादी की लड़ाई में जिस प्रकार से बलिदान दिया गया, नमन करने संग उससे सीख लेने की भी जरूरत है। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज सर चौरी चौरा मनाया जा रहा, क्या उद्देश्य इसका? आज चौरी चौरा का शताब्दी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आशीर्वचन और उद्बोधन से इसके महत्व के बारे में हमें बताया है। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश का भाग रहा हुआ है, गोरखपुर की पावन धरती का भाग रहा हुआ है। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में युवा साथी भी हैं, सब अधिकारी हैं। ये समय है जानने के लिए कि उन्होंने बलिदान किया। चौरी चौरा शताब्दी वर्ष उपलक्ष्य में आज जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गोरखपुर के चौरी चौरा सिखाने किया गया, और जिस कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों का उद्बोधन किया, उसी को सुनने के लिए और शहीदों की जो शहादत है उसको नमन करने के साथ साथ उसको अपने हृदय में रखने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।